अब मैं खताब के लिए दावत देता हूँ, खतीब पाकिस्तान, खतीब बेमिसाल वादी शरीफियाँ, खतीब नौजवान हजरत मौलाना कारी मोहम्मद यासिन बलोच साहब को, वो आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। उनकी तकरीर शुरू होने से पहले अपने बैठन का सबूत देते हो या मेरे नारे का जवाब दें। नारा तकबीर। अजय बात नहीं आई, बलोच साहब ने नहीं वाई थे, तकरीर नहीं करनी। नारा तकबीर, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, हजरत मौलाना कारी यासीन बलोच साहब। साउंड केड़ा है? थले लगा, छोटा है वो, छोटा नहीं आना पूरा बच्चे। चल ठीक, पखे बंद कर, आए पखे बंद, आए सब पखे बंद कर, आए हकला बंद, दूसरे ना बंद करे जाए, मैं कोई बाबा मैं ना लड़दा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، شان اللہ دی سننی نے کہ نبی دی जुमा तो पढ़ाया क्या मैं? हैं दोनों कमाल, जाता भी कमाल, उनवान भी कमाल, लेकिन पहली दफा हाजिरी हुई है, शान रब दी सुन लो पे। मा कदरुल्लाह हक्का कदरे ही, अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान। स्पीकर मेरे ना नहीं चलना, स्पीकर दी बेस बंद हो जाए तो उंज स्पीकर जरा तेज चले, इस तरह तो समझ नहीं आनी जिमें डम डम आती। बेस बंद कर दे, बेस बंद कर दो ते आवाज़ बारीक और तेज कर दो। ये केड़ा औखा काम है, इतने तू आ जाओ तो मैं अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है, स्पीकर इन चलाया करो कि जोर ही ना लाना पवे तो स्पीकर तेज चले, आवाज़ खोल भी दे, तेज भी कर दे, बारीक भी कर दे, ते बेस बंद कर दे, इंशाल्लाह ये सही हो जाए। अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है, बिल्कुल बांदरा ना करो, थोड़ा जहा इनू खड़काओ। जिस रब ने अपने सोहने घर के अंदर आवन की तौफीक अता फरमाई, करीब करीब आ जाओ, ज्यादा करीब आ जाओ, ताकि थोड़ी वजह तो किसी एक बंदे ने भी जगह मिल गई तो रब जन्नत जगह दसी। थोड़ा थोड़ा और मेरे लिए तिलको ना, मेरे हाथ से कोई बागड़ भी लै जिन्ना ना उधर ला लड़ी नेड़े नेड़े आ जाए। लाओ जी पहले
प्यारे भाइयो वल कोई नहीं, कुछ लोगों को वल नहीं होता तो एवं आ जाता। प्यारे भाइयो इन तो मेरी वैसे आवाज सही है, अल्लाह लोना बाबिया के सफीकर किसी वली की बद दुआ ये मैनू बड़ा ही परेशानी है। अल्लाह इन्हों अकलमंद बनावे तो स्पीकर चंगे लावण दे, अकीदा सोहना है स्पीकर घोड़ा, अकीदा सोहना है हदीस का लेकिन स्पीकर माशाल्लाह घोड़ा है। प्यारे भाइयो आज उस्ताद की कदर हो रही है, आज मां प्यो की भी कदर हो रही है, आज ताजरां की भी कदर हो रही है, सियासतदानां की भी कदर हो रही है, हत्ता के गलत लोग कंजरियां की भी कदर कर रहे, खुसरियां की भी कदर हो रही है। पाकिस्तान एक खुसरा है मलक में उन्होंने 7,00,000 फीस मिलती, कदर है ना इनका मतलब भाई साडा ईमान लुटता है, चंगा काम है आ 7,00,000 रुपया ले लो। मस्जिद नो लोड़ पै जाए तेरे पैसे दी ते तू काणी आख करके सब तो छोटा नोट पकड़ना है वह भी 50 रुपया, एक कदर हो रही है रब की। आज अल्लाह की कदर नहीं रह। प्यारे भाइयो अगर सोने रब का नाम आ जाए तेनो जान देनी पवे तो दरेग ना करी, माल ते की माल है, अल्लाह की कदर करोगे ना तो रब मेहरबान भी बड़ा है तो कदरदान भी बड़ा है, रब मेहरबान भी बड़ा है तो कदरदान भी बड़ा है। तो रब आता मैं तेन वेखना चाहना कि तेनों मेरी कदर किन्नी है। पहले तो यह है अल्लाह पाक दे नाम कितने, अल्लाह दे नाम कितने, जे तेन रब की कदर होंगी तेन इलम हों, अल्लाह दे नाम कितने, माशाल्लाह ये जवाब सही है। वैसे बुखारी दे अंदर एक हदीस है अल्लाह दे नबी ने फरमाया जड़ा रब दे 99 नाम याद करेगा दाखल अल जन्ना, अल्लाह उन्हें जन्नत च दाखिल करेगा, क्योंकि उसने अपने रब दे नाम याद कर ले। ए अल्लाह दी कदर हुई है तो अल्लाह आंदा मैं तेरी कदर करांगा कि तू मेरे नाम पढ़ के जेड़ी दुआ करेगा मैं तेरी दुआ रद्द नहीं करांगा, और जब तू मर जाएगा तेन जन्नत दाखिल करांगा क्योंकि तू मेरी कदर की मेरे नाम याद किते। अल्लाह दे नाम याद करोगे, मैं दस देव अल्लाह दे नाम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب والمجيب والواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الكوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي الكيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر والتواب والمنعم الملتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار والنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشود الرشيد الصبور سبحان الله سبحان الله ما
قدر اللہ کا قدر ہی اللہ دی قدر کرو جویں قدر کرن دا حق ہے تہاڈا مولوی وی سست تہاڈا سپیکر وی سست انتظامیہ وی سست سارا نظام ہی سست بلوچاں نوں ساتھ لیندے ہو تے ہر شے سست اللہ دی قدر کرو جویں قدر کرن دا حق ہے او میرے پیارے بھائیو ذرا غور کریا ہے آج تو بعد اللہ دے نام یاد کرو گے آج کھڑا کر کے وعدہ دے آئی تو بعد اللہ دے نام یاد کرے سو میرا رب تیری ہر موڑ دے قدر کرے سو دنیا دیے دعاواں مانگ مانگ کے مینو کئی سال ہو گئے اجے میری دعا دا نتیجہ نہیں نکلیا تے جدو رب دے نام سیمے چ یاد کر لے گا درود پڑھ کے اللہ دے نام پڑھی اللہ دا جیڑی منگے گا میں عطا کراں گا قدر اللہ کا قدر ہی اللہ دی قدر کر جویں قدر کرن دا حق ہے دوئی قدر کی ہے پیارے ہو اللہ دے نام وی یاد ہوویں پھر ناماں دا ترجمہ وی یاد ہووے جدو پڑھو گے تے مزہ آئے گا ایمان وی آئے گا مزہ وی آئے گا رحمت وی آئے گی برکت وی آئے گی دعا وی اسمانہ تے جائے گی اللہ سین کر دے وے گا جنت وی آئے گی تے جہنم جائے گی انشاءاللہ دوئی گل قدر اللہ حق قدر ہی سچو بلا لوے تے سارا شہر چلا جاندا ہے مینو سچو نے بلایا ہے اللہ بلا لوے حی علی السلام دکان بند کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا کون ہے شاہ صدیق دی بیٹی ہے شاہ کون ہے شاہ پیارے نبی دی پیاری بیوی ہے شاہ کون ہے شاہ حمیرہ ہے شاہ زاکیہ ہے شاہ طیبہ ہے شاہ سوا دو ہزار حدیث دی حافظ ہے شاہ رب دی پسند ہے شاہ او میرے پیارے بھائیو حضرت امی عائشہ بیان فرما دیئے جتنا میں نبی پاک نو اللہ دی قدر کرن والا ویکھے ہے میں کسے نو پایا نہیں تھا ساڈے نال پیاریاں پیاریاں گلا کر دے پے ہوندے آن او منظر کیسا ہوئے گا نبی دیاں بیویاں بیٹھیاں ہون سامنے آپ پاک نبی حسد گئے انہاں نال گلا کر رہے ہون گے یار کیسا منظر ہوئے گا اما عائشہ فرما دیئے یا اذان شروع ہوندی ہے اللہ لفظ اللہ سن کے میرا نبی فوراً اٹھ جاندے آن انج لگدا ہے جویں ساڈے واقف نہیں قدر اللہ حق قدر ہی اینج قدر کر جے رب دا قدر دان بننا چاہنا ہے یا اذان سنو جتنے بھی گا کہے بیٹھے ہو میں کہے دے ہو بالکل میں کروڑا دا نقصان کر سکنا میں رب دی بے قدری نہیں کر سکتا میں نو رب نے بلا لیا ہے او لوگو اللہ دے گھر چاہ جاؤ جے نہیں آنا فوراً کاروبار نو روک لو جڑا اذان تو بعد کاروبار نو روکدا نہیں او جن نے لوگ آن گے جو پیسے دین گے او ساری روزی تیری حرام ہو جائے گی
हराम दा एक लुकमा तेरे पेड़ जाएगा। 40 दिन तेरी कोई इबादत कबूल नहीं होएगी। हराम तू बचना ही या अजान होवे अगर दुकान है फौरन शटर डाउन कर। अगर कोई भी कारोबार है उन्हों रोक दो। अल्लाह तेरे नाल पता की कदरा करेगा। प्यारे नबी ने फरमाया अजान सुन के घरों वजू बना लो, पैदल चल के जाओ। मस्जिद के अंदर चले गए, प्यारे नबी ने फरमाया वजू बढ़ाया है, सिर तू लगे पैरा तक सारे गुनाह खत्म कर छड़े। आसमाना दे सोने रब ने कदरुल्लाह हक्का कदर ही आए कदर की अल्लाह दी। प्यारे हो फरमाया जब पैदल चल के जाता है एक कदम दे बदले एक गुनाह माफ करना, एक कदम दे बदले एक दर्जा बुलंद करना। अल्लाह जी दर्जा केड़ा एक है अल्लाह दे जिमें जमीन तो समान उच्चा है एडा उच्चा एक कदम दे बदले मैं दर्जा बढ़ा देना वा। और एक खाली नहीं होएगा एक कोठियां नाल खला पुर करेगा मेरा अल्लाह तेरे वास्ते। ओ तो जो करे आए एक कदम पटे अजान सुन के घरों वजू बनाया है, पैदल चल के आ रहे है, मस्जिद में पहुंच गया है। अजे जमात का टाइम बाकी है, दो नफल पढ़ ले अल्लाह दा है। ओ मेरे फरिश्ते हो इसने दुकान छोड़ी मेरे के मेरे लिए, कारोबार छोड़ा मेरे लिए, महफल छोड़ी मेरे लिए, बेली छड़े मेरे लिए, बीवी छड़ी मेरे लिए, बच्चे छड़े मेरे लिए, नौकरी छड़ी मेरे लिए, कारोबार छोड़े मेरे लिए, उस सब को छोड़ा मेरे लिए। ए मेरे फरिश्ते हो अज इसने फर्ज नहीं पढ़े, सिर्फ दो नफल पढ़े, इन गुनाहों तू बरी कर दे हो जिवें अज मां दे पेट नू पैदा होया है। जो कदर करेगा रब दी अल्लाह कदर करेगा अपने बंदे दी। जेड़ा बंदा घरों वजू करके आएगा, पैदल चल के आएगा, जमात नाल शामिल हो जाएगा, हुण उंदी कदर की है, उंदी होर कदर हो रही है। फरमाया इनू सवाब इतना दे दियो जिवें सवाब बैतुल्लाह दे विच इहराम बन के एक हाजी नू सवाब मिल रहा है। यानी हज भी लिखिया गया ते 27 नमाज़ां भी लिखिया गईया। उच्ची कदों पढ़ोगे सुभान अल्लाह, हाथ खड़ा करके बोल अल्लाह दा तू मेरी कदर कीती है ते मेरे तू वड्डा कदरदान कोई नहीं। सुभान अल्लाह। एवें नमाज पैसे भर के गया है, बैतुल्लाह पढ़ी है, जमात नाल पढ़ी है, इमाम काबा पीछे पढ़ी है, अल्लाह दा इनू 27 लख नमाज बढ़ा दो। अगर इसने 5 नमाजा बैतुल्ला के अंदर जमात ना पढ़िए 1,35,00,000 नमाजा बढ़ा दो। और जेड़ा तवज्जो चाहिदी है तवज्जो। प्यारे हो जेड़ा बंदा सोने रब दा कुरान पढ़दा है सोनी आवाज नाल, आवाज नाल कुरान पढ़दा है, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला
रही बफी उदली मुत्तकी जड़ा बंदा सोना कुरान पढ़ता है ठहर ठहर के कुरान पढ़ता है इनकी कदर अल्लाह पता की करता है अल्लाह का कोई बंदा है कि आमत वाले दिन कंजरिया ना उठन गए कई खुसरिया ना उठन गए कई बदमाशा ना उठन गए कई जानिया ना उठन गए कई शराबिया ना उठन गए कई चोरा ना उठन गए कई जानिया ना उठन गए और जड़ा बंदा कदी नमाज पढ़ता है कदी नहीं पढ़ता ए फिरौन ना उठेगा हमान ना उठेगा शद्दाद ना उठेगा उबई बिन खलब ना उठेगा और मेरे प्यारे भाइयो ते जेड़ा सोना कुरान पढ़ता है ते रोजाना पढ़ता है इन्हें रब की कदर की क्यों ए कुरान मौलवियां दा नहीं कारियां दा नहीं अलामिया दा नहीं चौधरियां दा नहीं नबियां दा नहीं रसूलां दा नहीं कुरान किताबुल्ला है सुभान अल्लाह नारे तकबीर शाने रब्बुल आलमीन शाने रब्बुल आलमीन शाने कुरान शाने कुरान मसलके हक अहले हदीस हजरत मौलाना यासीन बलोच साहब ए पता सोने सोने नारे क्यों ला रहे हो ए मेरा हज दा उमरे दा फैलो है मस्जिद नबवी दे अंदर मदीने पाक च इकट्ठे होया ए ता मेरा यार है साडी किथे मुलाकात रब ने करवाई तवज्जो करिया है बड़िया गल्ला करांगा बड़िया गल्ला दुआ करो अल्लाह मैनू तौफीकां दे देवे कुरान रिजा भी है कुरान शिफा भी है कुरान हदायत भी है कुरान कबर दा साथी भी है कुरान कियामत वाले दिन तेरा वकील भी है जेड़ा कुरान पढ़दा सोहनी आवाज नाल ओ अल्लाह दे तू मेरी कदर कीती है ए मेरा कलाम पढ़े आई मेरी किताब पढ़ी आई मैं कियामत वाले दिन तेरिया कदरां करांगा अल्लाह की कदर करेगा अल्लाह दे मैं तेनू उच्चिया फरिश्तिया नाल खड़ा कर देंगा सब तो उच्चा फरिश्ता कौन है ओ फरिश्ता दा सरदार जिब्राईल है इंदी ड्यूटी की है हर नबी कोल अल्लाह दे पैगाम लेके आने वाला इन अल्लाह ने रूहुल अमीन आख्या है कि इन्हें कभी भी अमानत खयानत नहीं की ए जिदे आए ओदे ही आया है ते आपे नहीं आया रब ने बुलाया है ए जिब्राईल फरिश्ते दा सरदार भी है और इन अल्लाह ने बहुत बड़ा कद दिता है इन अल्लाह ने 600 पर दिते ओ जदो पर फैला के बैठे आन प्यारे नबी ने फरमाया इंज लगदा सी जिवें जमीनो समान दे अंदर हकल्ला जिब्राईल है 600 पर है और परां दे उते जेड़े अल्लाह ने खूबसूरती वास्ते मोती लाए आन एक एक मोती ओद पहाड़ नालो वड्डा है ते जेड़ा कुरान पढ़ेगा सोहनी आवाज नाल अल्लाह पाक फरमांदा है तू मेरी कदर कीती है कुरान सोना पढ़ के मैं तेरी कदर करांगा फरिश्तिया नाल खड़ा करके आया जेड़ा बंदा आ दुआ पढ़ लैंदा आ दुआ वाह मेरे रब्बा तू कैसा रब है आ दुआ एक दुआ दसन लगा नेकियां दे थप्पे ले लो मन ले लो मना मुई ले लो पहाड़ा तू वड़िया दरियावा तू वड़िया समुद्रा तू वड़िया तारिया तू वड़िया
ओ हर शय तू ज्यादा नेकियां लेना चाहते हो कियामत नू एक नेकी छुड़ गई मां प्यो ने भी कम नहीं आना जे लोगो अगर दुआ पढ़ लो रब्बी लकल हम्दो कमा यंबगी लि जलाली वजही का वाजीम सुल्तानक सुभान अल्लाह ए सारी तारीफ अल्लाह दी है अल्लाह दे फरिश्तिया ने अल्लाह नु आख्या या अल्लाह इस बंदे ने आए तेरी तारीफ की है इनु की ने की देवी है अल्लाह अल्लाह फरिश्ते बहुत ज्यादा ने ताकत वर भी बहुत फरिश्ते ने सारे फरिश्ते बेबस हो गए अल्लाह एदिया नेकियां इतनियां बन गई के सारे फरिश्ते मिल के उस बंदे दी नेकी नु लिख नहीं सकते हाथ दो में खड़ा करके सुभान अल्लाह पढ़ हालांकि फरिश्ते पता कितने ने एक बैतुल्लाह मक्के च है एक बैतुल्लाह सतवें आसमान से है ओ बैतुल मामूर है 70,000 फरिश्ता तवाफ कर दे कियामत तक दोबारा किसी फरिश्ते की वारी नहीं आएगी इस कदर फरिश्ते ज्यादा ने लेकिन उन्होंने ताकत भी बड़ी है दो ही फरिश्ते आया जिन्हें सारा इलाका लूत नबी का इलाका चुक लिया जमीन तो सुन छड़िया किन्नी ताकत होएगी जेड़ा बेनिमाजिया मुजरमा बंदिया कबर दिन थौड़ा मारिया जाता है पहली रात वह एडा भारी है अल्लाह दा है सारी दुनिया के लोग मिल जान हिला भी नहीं सकनगे हकल्ला फरिश्ता चुक के बंदे दिया हड्डियां सुरमा बनाएगा किन्नी ताकत है फरिश्तों की अल्लाह पाक दे अरश नू चार फरिश्तों ने चुकया होया है जिथे रब की जात बैठी है और उन्हां दी लत्तां सतवें आसमान तो शुरू हो रही है सतवीं जमीन दे त्रया तक जा रही है वह केडे ताकतां वाले ने जिन्हां रब नू चुकया होया है तवजो करिया तवजो कियामत वाले दिन अल्लाह दे अरश नू अठ फरिश्ते चुक लेंगे क्योंकि रब गुस्से च होएगा जदों गुस्सा आ जावे उदो ताकत वध जांदी है ताकत ज्यादा आ गई अल्लाह दे अंदर ते अज अठ फरिश्ते हो गए सिर्फ अठा फरिश्तिया ने रब नू चुकिया होया है केडे ताकतवर होणगे फरिश्ते अल्लाह अल्लाह लेकिन जदों बंदा यह दुआ पढ़दा है भावें एक बारी पढ़ लो चौवीं घंटिया के अंदर ओ लोगो नेकियां इन्नियां होणगियां अल्लाह दा मैं लिख नहीं आ कियामत नू मैं देवांगा तेनू नेकियां मैं किन्नियां ही दे देंगा अल्लाह तदार नारा तकबीर शाने रब्बुल आलमीन शाने रब्बुल आलमीन मौलाना यासीन बलोच साहब एक होर दुआ सुन लो जदों तू दुनिया बनी है किन्ने मोमिन बने नबी सारे मोमिन सहाबा सारे मोमिन किन्ने किन्ने वली अल्लाह दुनिया से आए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने इन्नियां नेकियां कमाईया अम्मी आयशा फरमान लगियां सोने नबी जी ए दसो कोई ऐसा भी थोड़ा यार है जिंदियां नेकियां समाना दे तारियां दे बराबर होवन फरमाया मौजूद है फरमाया दस दो फरमाया खताब दा बेटा उमर है सुभान अल्लाह खताब दा बेटा उमर है अम्मा रो पई प्यारे नबी ने फरमाया क्यों रोनी है मैं समझिया सी मेरे बाप अबू बकर दी आण गिया मेरे नबी आखण लगे ओए आयशा सिद्दीक ते उमर दा बड़ा फर्क है
सुभान अल्लाह उच्ची होनी चाहिदी है। मेरे नबी ने फरमाया चलिए सोचते ही नहीं आन, समझते नहीं आन, कोई गल नहीं करते आन। या नबी ने आख्या ऐ कम करिए जिठी, फरमाया चलिए, फरमाया ठीक हुणे जाना है, फरमाया ठीक सफर तवील है, फरमाया ठीक गारां च लुक लुक जाना है, फरमाया ठीक हो सकदा सप लड़ जाए, फरमाया ठीक मदीने जाना है, फरमाया ठीक आना कोई नहीं, फरमाया ठीक इनू कहिंदे सिद्दीक। कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी, कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी, हिजरत दी मंजिल बारी साडी अज़लां तू है यारी। मेरे नबी ने फरमाया की ख्याल चलिए, कहन लगे थोड़ा इस टाइम मूड की है, फरमान लगे क्यों सोज गए पैरन तेरे, क्यों सोज गए पैरन तेरे, हिन किस लई कंधे मेरे, तेरी बन जावा असवारी साडी अज़लां तो है यारी। प्यारे नबी ने फरमाया ऐशा सारी उम्र उम्र दिए आसमाना दे तारिया दे बराबर नेकियां ने, लेकिन सिद्दीक दी नेकी एक रात जड़ी सप्पां दे विच गुजरी है, ओही ज्यादा तारिया तूने। एक ऐसी दुआ दसूआ अपने यारा बेलिया नू, हैरान हो जाओगे, बस अल्लाह की कदर कर। दस दया फरमाया जो तू दुनिया बनी है कि आमा तक कितने मोमिन आन गए जेड़े वाकई नेकियां कमा कमा के गए। फरमाया मोमिन उन्हें मोमिना के अंदर सिद्दीक भी है, ओदियां नेकियां का भी रब नू पता है, उमर दियां नेकियां का भी रब नू पता है, उस्मान दियां नेकियां का भी रब नू पता है, अली दी नेकियां दा रब नू पता है, नबियां दी नेकियां दा रब नू पता है, ओए आलमा दी नेकियां दा रब नू पता है, कारियां दी नेकियां दा रब नू पता है, ओ बड़े बड़े वली अल्लाह गुजरे गए, मियां बकर रहमतुल्लाह ने सारी उम्र नेकियां करदे गए, ओ मियां सूफी अब्दुल्ला मा मुकजन वाले सारी उम्र वली अल्लाह नेकियां करदे गए, हाफिज अब्दुल मना नूरपुरी सारी उम्र नेकियां करदे गए, हाफिज यहिया अजीज मीर मुहम्मदी सारी उम्र नेकियां करदे गए, मौलाना मोहीउद्दीन लखवी सारी उम्र नेकियां करदे गए। अल्लाह अल्लाह ओ किन्ने किन्ने वली अल्लाह टुर गए, सारी उम्र नेकियां करदे गए, शरीफ इलाहाबादी सारी उम्र कुरान पढ़ पढ़ के नेकियां करदे गए। अल्लाह अल्लाह मैं केड़ा केड़ा बुजुर्ग बोला, शेखुल कुरान मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी सारी उम्र नेकियां करदे गए, एक दिन के अंदर हजार बारी वड्डा दरूद इब्राहिम पढ़ते होंगे ते 60 साल कुरान सुनाते गए, किनियां नेकियां करदे गए, कदी तहज्जुद नहीं छड्डी आई, कदी तहज्जुद नहीं छड्डी आई। शेखुपुरी मौलाना ममू साहिब साहब ने हाय हाय केडे केडे वली अल्लाह गुजर गए, इन्ना कुछ ऐसे वली भी गए जिन्हों का मैनू इलम नहीं, इमामे बुखारी केडा वली है, इमामे मुस्लिम केडा वली है, पीर अब्दुल कादर जिलानी केडा वली है, इमामे अबू दाऊद केडा वली है, हाफिज ओ मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह हाफिज अब्दुल मनान वजीराबादी केडा वड्डा वली है, नज़ीर मुहद्दस देलवी केडा वड्डा वली है, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी केडा वड्डा वली है। आए बड़े बड़े वली अल्लाह सारे दी नेकियां दा रब नू इलम है। अल्लाह दा एक दुआ पढ़ो चा तो मैं सारे मोमना के अकाउंट के अंदर जिन्या नेकियां ने उन्हां दियां भी उत्थे राड देंगा, उन्नियां नेकियां तैनू मैं अता कर देंगा। इंज नहीं हाथ खड़ा करके उच्ची आवाज ना सुभानना चाहिदा है, गल बड़ी वड्डी है सुभानना छोटी है। सुभानना।
ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੈਜੋ 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 ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਕਦਰੁੱਲਾਹ ਹੱਕ ਕਦਰ ਹੀ प्यारे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा सारी दुनिया दे मोमना दिया नेकियां उन्हां दे बराबर अपने बैंक अकाउंट दे अंदर जमा करना चाहुंदा है ओ फिर एक दुआ पढ़े दस दियां एडवांस सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह याद करोगे इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा गफिर للمؤمنين والمؤمنات سبحان اللہ اللہ دا تو میری قدر کیتی مومنہ بندے دے بارے وچ کہیں میں اللہ جتھے بھی کوئی مومن بندے یا مومن اور تے بیٹھیاں اللہ انہاں نوں معاف کر دے تو خیر خائی کی دی جتنے دنیا چ مومن آئے مینوں سارے مومناں دا پتہ ہے انہاں دیاں نیکیاں دا پتہ ہے اربا خربا نیکیاں کما گئے میں ساریاں نیکیاں تینوں تیرے بینک دے دینا تو آکھدا پیا ہے اللہ مومناں نوں معاف کر تے میں ساریاں نیکیاں تینوں اعلان کر چھڈیاں نے उस रब की कदर कर सो इंशाअल्लाह एक बंदा जा रहा सफर से चलदियां चलदियां उनके को खर्चा मुक गया एक बंदे नूं आंदा यार अल्लाह दे नाते मैनू हजार दिनार दे दे दिनार कहिंदे सोने दे सिक्के नूं उस जमाने के अंदर सोने के सिक्के चलते आन आदा यार पैसा बहुत ज्यादा है क्योंकि एक हजार दिनार अगर वजन करिए ते पांच किलो सोना बनता है सोने के जो सिक्के आन दिनार आदा यार माल बड़ा है मैं तेरा वाकिफ नहीं आदा बिल्कुल ठीक है मैं पहली दफा इस इलाके च आया मैं किसी नूं जानदा नहीं वैसे मैं तेनों अल्लाह के नाँ ते आख्या है बाकी मैं मुफ्त नहीं ले रहा मैं इंशाल्लाह तेनों वापस भी करांगा नेकी तेनों अल्लाह ता करेगा अल्लाह के नाँ ते एक हजार दिनार दे दे जिन्ना दा वजन बनता है पांच किलो सोना सुभान अल्लाह बंदा वाकिफ भी नहीं पहली बार आया है वो आखन लगा यार कोई गवाह दे या कोई जामिन दे आंदा मेरा गवाह भी अल्लाह है ते जामिन भी अल्लाह है आंदा जदों अल्लाह है ते जा चला जा मेरी जामनी हो गई है मेरिया गवाहियां भी हो गई कदरुल्लाह हक्का कदर ही आए जे सोने अल्लाह की कदर आए माशाल्लाह उन्हें उनके कोल स्टाम भी नहीं लिया जदो वक्त आ गया वक्त जेड़ा वक्त तय होया सी सुबह सवेरे सवेरे वो बंदा आंदा है करमाली है मैनू नाश्ता करा दे ते एक हजार दिनार भी दे दे अल्लाह कदर कीती है ते मैं रब दियां बेकदरियां नहीं करना चाहता कैमरे तो फिट कोई नहीं होए खले आन उन्दे मगर कोई जसूस नहीं गया उन्दे मगर कोई सी आई डी आले तो नहीं गया ओयो केड़ी शे उन्हों लेके आई है कदरुल्लाह हक्का कदर ही उन्हों रब सोने दी कदर आई सुबह सवेरे दरिया दे किनारे ते आ गया पांच किलो तोर सोना लेके जदों शामा होवन लगियां बेड़ी नहीं आई बेड़ी तो चढ़ के दूसरे पासे जाना सी ओ भी लैण वास्ते आया होया है
ओनू नहीं वेख रहा, ओनू नहीं वेख रहा, इन्हों दोवे नू कौन वेंदा है। जो शामा पवे लगिया डर गया, हो सकता जंगल का इलाका को चोर ना पै जाए, रकम बड़ी है। उन्हें जल्दी जल्दी एक लकड़ी ले ली, उस लकड़ी नू सुराह कीता, उन्दे विच 1000 दिनार पा छड़िया, विच उन्हें पर्ची लिख दिती कि मैं भेज रहा, अल्लाह तेनू उम्मीद है पुचा देवेगा। माशाल्लाह। ओ जड़ी लकड़ी है, ओ लकड़ी डुबी भी नहीं, किसे पासे गई भी नहीं, आना के पानी दा जोर है, उन्हें ऐंज जाना सी, लकड़ी सीधी जा रही है, जिथे खड़ा सी उन्दे पैरां च लकड़ी गई, उन्हें आके आ पैसे दा नहीं आए, चलो लकड़ी आ गई है। उदो लोग लकड़ियां इस्तेमाल करदे आन, गैस नहीं आन, उन्हें लकड़ी चुक ली, कह लगे बालन मुकया होया है, चलो दो तरह दे रोटियां पकावांगा। वो चुक के लेके जा रहे, बीवी पुछया हर एक नु दे देना है या कोई अल्लाह दा नाम बोले, ओ आ के नहीं पैसे, आधा पैसे दा नहीं आए पर लकड़ी आ गई है। कहिंदी है लकड़ी लभनी है तेनों पैसे नहीं लभने। जरा औरत काबड़ा ली आई, वो गल्लां बड़ियां करन लग पई, वो कहन लगा पैसे तेरे कोलो तां चा के नहीं दिते, मैं आप दिते, रब दा नाम लिया गया, मैं रब दी कदर कीती है, ओ जाने नहीं आए, अल्लाह फिर भी चंगियां करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जदों घर दे अंदर पहुंच गया लकड़ी लेके, बीवी नू आदा कुहाड़ी दे, उन्हें कुहाड़ी दिती है, जदों मारिया लकड़ी नू बंडन वास्ते ते विचों छण छण दी आवाज आई है, कहण लगी आया गई नी जामिन अल्लाह जी, ओ जामिन अल्लाह है, अल्लाह दी जड़ा कदर करेगा रब ओदियां कदर जरूर करेगा। वेखो कदर कीती, आहा पर्ची निकली, यार मैं अल्लाह दे नां ते तेरे ले लकड़ी दे विच पैसे भेज रहा, तेरे को उम्मीद आ जाएगी, मैनू मेरे ते निराद ना होवी, क्यों जेड़े पैसे तेरे को ले आण मैं जामिन अल्लाह नू बनाया, ते मैं रब दा बेकदरा नहीं। हाय हाय। लेकिन जदों दुआ दे आया परेशान हो गया, आंदा करमाणी है रब दे नां ते अगले कुर्बान हो सकदा है डाकिया ना पहुंचया होवे। लकड़ी वाला डाकिया के पता है किसे और पासे ना चला गया होवे, हो सकदा है ओ अगू मिलिया ना होवे, ओनू मिली ना होवे। अल्लाह अल्लाह, मैनू होर पैसे दे दे। फिर 5 किलो सोना लेके चला गया, जदों उन्दे घर गया, ओ भी साडे वर्गा हुंदा ते नीवी पा के आखना सी हां हां लिया लिया, अगले कदों पहुंचन, कदी लकड़ियां नाल ही पहुंचे। हाय हाय। सब तू उच्चा ईमान वाला ओए जिंदे सीने च मेरे खुदा दी कदर है। सुभान अल्लाह। ईमान भी उच्चा हुंदा होएगा जिंदे सीने च खुदा पाक दी कदर होएगी। सब तू वड्डा वली ते ईमानदार होए, हालांकि 5 किलो सोना आ गया उनका किन्ना हो जाना सी 10 किलो। ओ आंदा है ए जान वाला, कहिंदा है आंदा यार अल्लाह दे नाते मेरा गुनाह माफ करी। नाड़े रोमन लग गया। ओ आंदा की गुनाह है? ओ आंदा कल आना सी पर एक दिन लेट हो गया, मैनू माफ करी। कहन लगा की लेके आयो? अखे जेड़े तेरे को पैसे ले आन। कहन लगा ओ करमाणिया तेरे मेरे सौदे दा गवाह भी अल्लाह है ते जामिन भी अल्लाह है। सुभान अल्लाह। जेड़ियां पर
ਬੱਚੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਇਨੀ ਡਾਕੀਆਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਡੱਕ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਏ ਜੇ ਕਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਏ ਜੇ ਕਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਕੰਜਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਸੌ ਬੋਰੀ ਦੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌ ਬੋਰੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਜਰੀ ਨਾਚਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਜਹਨਮ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਇਬਲੀਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਪਾਕ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇੰਨਾ ਘਰਾਂ ਚੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਵਜੋ ਜ਼ਰਾ ਕਰਿਆ ਤਵਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਕੌਣ ਅਲੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਅਲੀ ਕੌਣ ਅਲੀ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਅਲੀ ਕੌਣ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਅਲੀ ਕੌਣ ਅਲੀ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਕੌਣ ਅਲੀ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾਮਾਦ ਅਲੀ ਕੌਣ ਅਲੀ ਅੰਮੀ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਅਲੀ ਕੌਣ ਅਲੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਪ ਅਲੀ ਕੌਣ ਅਲੀ ਫਾਤਿਹ ਖੈਬਰ ਅਲੀ ਕੌਣ ਅਲੀ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਲੀ ਤੇ ਮੂਮਨਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹਾਰ ਅਲੀ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਖਣ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀ ਵਰਮਾਇਆ ਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲਵੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਲੀ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਸਿਕਰੀ ਆ ਗਈ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕਈ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆਣ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਤੀ ਸਿਰਦਾਰ ਆਣ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਆਣ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ
اے سونے علی جی اللہ دے ناں تے روٹی دے دے تیرے دروازے تے مسکین آیا ہے بیوی نو کہن لگے کرماریے جلدی دے دے میں رب نال وعدے کر چکیا کوئی رب دا نام لے کے علی کولوں جان منگے علی جان دے واسطے تیار ہے اے تے روٹی ہے دے دے آئے جے ماں قدر اللہ حق قدر کی سبحان اللہ آئے جے قدر خدا دی نام آ جائے اللہ دا مر بیٹھ جاؤ ہائے ہائے سانو کوئی نہیں قدر تسی ناراض نہیں ہونا سانو کوئی نہیں سانو قدر ہوئے نا اللہ دی اعلان ہو جائے مسیطاں تے وی ہور بنانیاں پی جان محلے اچھے مارکیٹ مطلب بہت رونق ہے میڑیاں تے بڑیاں رونق ہیں جتھے گند ہو رہے اتھے بڑیاں رونق ہیں خدا دے گھر چ ایک صف ہے ادھے بابے ادھے بچے ادھے نوجوان توجہ چاہیے پیارے جدو دوسری روٹی پکی کئی دن بعد بچیاں نو کھوانا چاہتی امی فاطمہ تے پھر آواز آئی آدر علی جی تیرے دروازے تے ایک یتیم آیا ہے تے اللہ دے نا دے ایک روٹی دے دے فبکا علی رو پے فاطمہ نو فرمان گئے تیرا بابا فرما گیا جیڑا یتیم نو روٹی دے گا پیارا رب اس طرح مل کے وہ تے میں محمد جنت جاواں گے اس طرح میرے نبی نے انگلیاں اشارے دیتے اپنے بچیاں دی خیر ہے جنت بھی ملے گی تے رب سونے دی قدر بھی ہوئے گی اے نو علی آندن آٹھ دن پہلے ہو گیا پیچھے آٹا کوئی نہیں کیویں وقت گزرے آن کے بچے آتے سوچو تو صحیح تیرے بوجھ وچ سارا کچھ ہوندا ہے رب دا نام آوے تے اتے سپ بن جانا ہے گناہ تے بے درے پیسہ دا دینا ہے تے نیک کما تے سپ بن جانا ہے توجہ چاہی دی ہے توجہ تیسری روٹی آخری لائے گئی ہے جدو پک گئی ہے دروازے تھے ایک ہور آ گیا آدا ہے علی جی تیرے دروازے تھے ایک اسیر آیا ہے جیل چڑیا کے دکھا نال جان نکلتی پی ہے علی مینوں اللہ دے راہ تے روٹی دے دے علی آدا دے دیو میں رب دی قدر کرا گا جویں قدر کرن دا حق ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان سیدنا علی المرتضی شان سیدنا علی المرتضی شان رب العالمین حضرت مولانا قاری محمد یادین بلوچ صاحب کوئی سمجھ شریف آ رہی ہے تے رب تو وڈا مہربان وی کوئی نہیں تے رب تو وڈا بندیاں دا قدردان وی کوئی نہیں آئے اللہ دا جلدی کرو جبرائیل جی اللہ کی کا ڈر ہے فرمایا قرآن بنا دے جویں میرے علی نے اللہ تعالیٰ دے راہ تے روٹیاں دتیاں نے اوویں قرآن نو بنا دے قرآن قیامت تک پڑھیندا رہے گا تے علی دی
निशान भी कयामत तक बयान होती रहेगी। ईमान ने दसा अगर अली ने रब दे नाम की कदर की है तो रब कयामत तक कदर वाला बना छड़िया है। जन्नत अजे बाकी है, जन्नत अजे और जिन्ना वास्ते कुरान आ जाए कदर है कि नहीं है। हाँ। एक दिन एक यहूदी आया, वो आदा मैं यहूदी आ, मैं मुसलमान भी होना नहीं, अल्लाह दे नाम ते ऐ मुहम्मद सल्लम एक बकरी दे दे। सुनया जे मेरे नबी ने अल्लाह की कदर किन्नी की थी। प्यारे नबी ने फरमाया यहूदिया मुसलमान हो जा या ना हो वो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे मुंह दे विचू मेरे रब दा नाम निकले ते मैं कदर करनी है अपने प्यारे अल्लाह दी। सुभान अल्लाह। ओ एक बकरी मंगी है, एक बकरी नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, पंजा नहीं, सौ नहीं, दो पहाड़ों के दरमियान में जितनिया बकरियां बैठियां सारिया मेरे नबी ने उस योदी नु दे छड़िया। वो दो कदम तुरिया बकरियां लेके ते आदा अशहद अल्लाह अल्लाह दे नाम की कदर कर लो, रब दुनिया से भी कदर करेगा कि आमादन दिन भी कदर करेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों ए लंबा तवील उनवान है, इन्हें तो मैं बोली जावा तो ख़त्म नहीं होना, एक मैं आखिर